उनको हमें कैसे निभाना है,
हम जो विचार को जन्म दे देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ना है, उन जिम्मेवारियों को नहीं पाना है, इसलिए जिंदगी के फैसले को करने के लिए उस काम को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे पाते हैं। उसके लिए हम एक ही कामना करते हैं प्रभु हमें सुख दी, बच्चों को सुख दी है, मजबूत विचार दे बच्चों को, शक्ति दे बच्चों को, बल दे बच्चों को, ताकि बच्चे पिता के हुए कामों को करें, उसकी मान मर्यादा की रक्षा उनके अगर संस्कारों पर जो बच्चे अपने जीवन समर्पित करें अपनी घर गृहस्थी परिवार को बच्चे उसके लिए हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं सब हे प्रभु हम सबको दियो योना ये सब सिर्फ मनुष्य और उस जीवन पर ही इतना नमाज अगर यह नाम से देता रहा और हर ग्रंथ के बीच में सिर्फ मानव जीवन को समझाया। गुरु नानक देव जी ने हमको इस बात को समझाया भाइयों को दिया कि बड़ा कुछ भी हुआ है बहुत कुछ हुआ है, ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बाबू को पढ़ा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो शब्द जिंदगी की याद करें कि दुनिया के अंदर मुझे हार मत हार करी जीना झूठ बोलो मरना सच जिंदगी पूरे समय हमारे लिए अंदर एक बड़ी छोटी सी बात थी रघुवीर का सदा चली आई प्राण जाए मरे वाली मन में आकर की रक्षा रखी और हम सब की स्वर्गीय भविष्य की आत्मा के लिए एक ही प्रार्थना है उस आत्मा को आपके चरणों में निवास स्थान मिले सब के मिले जा ईश्वर तेरी व्यवस्था से जहाँ भी जिस भी लोक में आप उसको जन्म दें वो आपकी दया की कृपा की पात्र हो आपकी शत्रु शायद प्रकार का जीवन हो उनको उस लोक में किसी चीज की कमी ना हो वो जिस भी लोक में जाए वो सुखी परिवार के प्रभु परमात्मा जन्म लें हम सब की उस आत्मा के लिए ये दुआएं हैं जो हमारी श्रद्धांजलि है ओ शांति
हाथ जोड़कर तेरे चरणों में करने लगे अरदास। सो दिया इस जीवन का सब भार तेरे हाथ में है, जीत भी तेरे हाथ में, अब हार भी तेरे हाथ में, पर जो कुछ भी है सब कुछ के तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या न दे मेरा, 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 तेरा तुझको अर्पण क्या न दे मेरा। सभी मेरी माता बहन, सभी मेरे साथी, हम सब मिलकर के करते हैं, हम सब सतगुरु ने तेरी पर तंग सांचा, मैं तेरी पर तंग।
और बच्चों की दौड़ की हाथ
समय प्रकार बोलकर अपने माता पिता के साथ अपना जीवन हर घड़ी अपने माता पिता के साथ बांट जिस व्यक्ति का जितना जितना मेहनत उसका होता है जितना मीठा जितना मजबूत जब ये विस्तार होता है उस जीवन में फिर उतना ही गर्व होता है कष्ट होता है मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी कमी समझता है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है पर घर के अंदर जीवन के अंदर एक ही कमी रह जाती है कि जो पिता चला गया वो पिता जैसा पिता नहीं होता पत्नी चली जाए तो पत्नी जैसी पत्नी नहीं होता माँ चली जाए तो माँ जैसी माँ नहीं होता पिता चला जाए तो बेटी जैसा पिता नहीं होता ये सबसे बड़ी कमी ये चिंता हो जाती है और ये प्यार ये स्नेह ये वृक्ष का पत्ता भी जब उगता है वो भी अपने प्यार के स्नेह का स्वभाव है और हम लोग बुद्धिजीवी इंसान हैं बाबू जी ने अपना ग्रस्त जीवन हमारी पूजनीय माता जी रखे श्रीमती किरण चंद्र ने उन्होंने इतना जीवन का सफर उनके साथ गुजारा माता जी को पता होगा हम गाड़ी के अंदर सफर करते हैं चले जाते हैं और जिस पत्नी ने इतना बड़ा सफर किया और जिस बेटी ने जन्म दिया से उनकी है इतना बड़ा जीवन उनकी लंबा सफर उस पिताजी के साथ गुजरा हम गाड़ी में एक घंटे भर के लिए एक दूसरे को साथ के साथ ले जाते हैं और जिनकी गोदी हमारा जन्म होता है जिस माता पिता का अपना जीवन जैसे गाड़ी के दो पहिए एक साथ दूसरे साथ जोड़ देनी चाहती है माता जी ने बाबू जी के साथ इतना सफर करा इतनी जिंदगी की कैसी प्रसिद्धियां क्या जब गाड़ी का पेड़ टूटता है सारा सामान टूटता है मालिक को भी उसको समझता है ऐसी पत्नी के लिए ऐसा हो जाता है सारे परिवार के लिए उसको समझने के लिए प्रमाण की जरूरत है जबकि माता पिता की ईश्वर का दूसरा भेद है मेरी माँ को मेरी बहनों एक महाभारत की बड़ी सुंदर कथा आती है जब पानी पानी में देखते होंगे तो युधिष्ठिर को जब प्यास लगी कि मेरे लिए पानी की कोशिश करो पानी प्राप्त हो तो अर्जुन ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके देखा कि तालाब कहीं किया और नीचे उतर कर गया कि भाइयों का डरा मैं किस दिशा में चला मुझे तो पानी का तालाब दिखाई दे रहा है अर्जुन क्या उस तालाब में जब पानी पीता है उस पानी का जो मालिक जस है वो उस अर्जुन के जाने पर उसका अतिथि सत्कार करता है तुम कहाँ से आया तेरा नाम क्या है क्योंकि घर में जब अतिथि आता है उसको कभी वेलकम करने के लिए उसका पता नहीं तो जक्ष ने उन भाइयों का आदमी सत्कार करना चाहा तो उस तालाब का पानी पीने लगे चंद्र भाइयों को ढूंढने के लिए जब उस तालाब के पास पहुंचा गया तो उसने क्रम से उसके भाई ने भीम क्या नको क्या सहदेव क्या कहो मेरे साथियों जब युधिष्ठिर गया पानी पीने लगा और जक्ष ने उसको आवाज दी रुको भाई पानी मत पियो तो युधिष्ठिर गया भाई नहीं है मेरे पास आपका नीचे लेना है आप इस जंगल में आए हैं मेरे हैं पानी पीने के लिए आए हैं तो मेरे पानी की रोज तो ये नहीं पता चला मेरे भाई रोज के पास है तो जब स्वामी सारे बता देता है और दृष्टि से भी बात पूछता है दृष्टि मैं तेरे से दूर प्रश्न करूंगा वो ये प्रश्न का उत्तर जीवन का परिचय दे तो मेरी माँ दृष्टि की महाराज ने आपके पास और आंखें बंद करके उसने क्या देखा आंखें खोल करके और जक्ष को वो जवाब देते हैं कहने लगे महाराज दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कोई है जिसने मेरी जिंदगी के बारे में सोचा वो है पालन करने वाला मेरा पिता और युधिष्ठिर बोलते से कहने लगे महाराज जब मेरी मां ने मुझे जन्म दिया और मेरे शरीर को साफ किया सबसे पहले मेरी पिता की
मेरे पिताजी ने मुझे देख करके अथेलियों में और मेरे चेहरे को मेरी सुंदरता को देखा और मन में बड़ा को खुश होने लगा था। और फिर थोड़ी दूर में वो गंभीर हो गया, तो मन में क्या सोचने लगा, ये मेरा जो सुंदर बेटा इसने जो गोद में जन्म लिया, मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा एक दिन ये मेरा घर हो जाएगा। मैं जहां तक भी उठना चाहे उस छोटे से मिलने की उठने की वो खबाब बनाता है कि जहां तक भी उठना चाहेगा इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको मैं इतना पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा दिन को और एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। जब से हाथ जोड़ने कहने का महाराज, अगर मेरी जिंदगी में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा था तो मेरे पिता जी ने मेरे बारे में सोचा कि मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा, बढ़िया स्कूल में इसको शिक्षा दूंगा, बढ़िया इसकी मैं व्यवस्था बनाऊंगा। जब से उस समय बड़ा खुशी और उसने कहा कि दूसरा गुरु और है, और कौन सा गुरु है जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते, जो इस पृथ्वी से भी भारी, जिसकी उपमा सूर्य के साथ नहीं दे सकते, हवा के साथ नहीं दे सकते, ऐसी कौन सा दूसरा गुरु है जिसके पुकारों का बदला हमें चुकाने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा। तो उस समय युधिष्ठिर जी का हाथ जोड़ने का वो जन्म देने वाली देवी माँ है। जब ये सूर्य भी साथ छोड़ देता है मेरे में, तब मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ करके मेरे घर में ये प्रकार में चलना सिखलाती है। वो माँ इसी सूर्य से भी बड़ी होती है। जब ये हवा नहीं होती तब माँ अपनी गोद में लेकर के चुन्नी के किनारे से हवा करती है, इतने बढ़िया गीत आती उस माँ की गोद में, वो माँ इस हवा से भी बड़ी। जब ये प्यास करती है, पानी की व्यवस्था होगी, तब माँ अपनी गोद में बैठा कर मुझे दूध पिलाती है, पर मेरी प्यास मुझे नींद आती है। उस माँ का बदला चुकाने के लिए मुझे कई जन्म लेना पड़ेंगे। ओ मेरे गुरु, जब से मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़े अगर जो गुरु हैं वो वक्त का परमात्मा और दूसरा है पिता और माता, तीसरा गुरु जो मुझे शिक्षा दिया। उस समय यक्ष गदगद हुए और कहा कि निश्चय इस तालाब के पानी को देख करके अपने भाइयों को अपने छिटा दे जाए अपने भाइयों के लिए, और तेरी बातों को बड़ा खुश। इसलिए मेरी माताओं मेरी बहनों, आप सब लोग तीन रस्मों को करने और जब हम अपने पूजन को कबीरदास जी के पास जाते हैं, तो कबीरदास जी ने हमें इसी बात को सिखाया, ओ बंदिया आए हैं किसी दिक्कत में, चल हासा आप हुए ऐसी सेवा का चलो हम हासे चल। ये मनुष्य की प्रकृति है, जितने भी ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, सब के सब मनुष्य की प्रकृति है। ये मनुष्य जीवन बड़ा उत्तम जीवन और श्रेष्ठ होता है। ये जितने भी गुरु आदि हुए, जो भी हमें करने को मिलता सर इस जीवन के अंदर, मेरी माता मेरी बहनों, ये जो मृत्यु है मौत, मौत एक हवा का झोंका है, कब किस समय पर आ जाए, इस मौत से इसी प्रकार का समझौता किया जाता है। मौत जब आती है तो अपना तीर मार करके इस मौत के आने से पहले पहले सब कहते हैं, जो कर्म कर रहे हैं सो आज करो, जो आज कर रहे हैं सो अब, पर में मृत्यु हो जाएगी तो भी करेगा कर्म, ये मृत्यु का पालन करता है। और छोटा सा बच्चा उसमें सब के साथ पूर्ण नहीं, इस पन्न करो सा क्या इस तन तन भरोसा क्या, एक दिन मिट जाना है, माटी की मूरत है
ये
He had food. Bolo. Mara rasta chhe. Jindagi pure sabhe. Hamare ni andar ek bahut choti si baat hai. Raghuri ka sada chali aaye. Pran jaye mare. Bach jaye. और कबीर का जो हमको सुनाया आए इस जगत में जन हासा हम रोए ऐसी भक्ति कर चले हैं हम हासे जन मनुष्य जीवन धीरे 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 रिश्तों के साथ टूटता चला जाता है। मैं एक बेटा हूं, मैं एक पति बन चुका हूं, मैं एक पिता बन चुका हूं, मैं एक बेटियों में एक बहू बन चुकी हूं, मैं सास बन चुकी हूं। ये जितने भी रिश्ते हैं इन रिश्तों का सुख दायित्व नहीं हुआ। इसलिए कबीरदास ने लंबी चौड़ी बात को बड़ी छोटी बात में कहा है, ऐसे रिश्ते तुम्हार चलो हम हासे जब कौन की धर्म पत्नी। जब भी जिंदगी के अंदर स्वास्थ्य खराब हुआ इन बच्चों की उस देवी की दुआएं सब सफल हुई, सब सफल हो। और आज जब दूर बजा स्वास्थ्य खराब हुआ कोई परिवार का कोई दुआएं थी सब सबको इस बात की उलझन को बड़ी जल्दी सुलझा दिया। उन्हें बैठ करके मीटिंग कर ली और इस बात को सुलझा दिया और क्या समझाया, अरे भाई सीधी सी बात है, जब तक जिसको रात नहीं साझा उसको मार सकते ना, जब तक जीव उस परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं करता है। पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर भूचाल आया, एक देवी अपने बच्चों की दूध नाली दीवार के सहारे घर कर दी और वो पाकिस्तान की राज की धरती दीवार की गई। उस मां बच्चे की दीवार की चंद घंटे के बीच में उसका मर्म उठाया और क्या देखा कि वो मां इतने बड़े शरीर को जो लेकर के बैठी जो दर्द को सहन कर सकती थी वो मां मर गई और जो छोटा सा बच्चा था उस मां की गोद में। सब गैस के बीच में बिहार के अंदर पहुंचा आया, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के स्नान करवा रही थी और पानी की पानी पास रखी जग रखा साबुन रखा और साबुन उस माँ के हाथ में, वो साबुन उस बच्चे की पीठ को लगा चुकी थी और वो साबुन रखने जा रही थी वो बिहार की धरती पहुंचा कर शिकार हो गई और हाथ में साबुन रह गया, बच्चे की पीठ को लगा हुआ साबुन रह गया, पानी पानी के पास पड़ी और दीवार के नीचे सब पूछा। जब घंटे ने जब मौका उठाया लोगों ने दृश्य को देखा कि मां के हाथ में साबुन है, बच्चे की पीठ को साबुन लगा हुआ और रब ने उस मां को साबुन रखने का बल दिया और सबको ने क्या बात कही, जब तक जिसको रब ने साया फिर मार से। कुछ दिन पहले मेरी बात पर कहूं 26 जनवरी का दिन था जब गुजरात के अंदर पहुंचा है इतनी इतनी दुर्घटना इस पृथ्वी के अंदर देखने को मिली। अब उस प्रभाव की वास्ता को हम स्वीकार ओ प्रभु, ये धरती भी तेरी आसमान भी तेरा है, जिस मकान में हम रहते हैं ये मकान भी तेरा है, हमारा कुछ नहीं, हमारी एक दौड़ है, हमारा एक फर्ज है, हमारा एक उत्तरदायित्व है। और इस उत्तरदायित्व को ऋषि मुनियों ने बड़े शॉर्टकट शब्दों में कहा, आए इस जगत में जन हासा हम रोए ऐसे बनके कर चलो हम हासे जन बिल्कुल का पता नहीं बिल्कुल दाव के से हो। इसलिए हमारी उन्हीं मादरी बैठी कि मादरी मैं अपनी मादरी से ही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा जब आप जी ज्यादा है बच्चों के बीच में कभी ऐसी कमजोर बात न करें जिससे बच्चों का मन उस प्रभु की व्यवस्था को स्वीकार कर पाए। और मैं बच्चों से ये प्रार्थना करूंगा कि माँ के सामने कभी ऐसी बात हो जिससे माँ ने हमारी प्रभु की चीज को स्वीकार कर उसका टूट व्यवस्था को स्वीकार जो युगात्मा की परमात्मा की व्यवस्था है उसको स्वीकार करना है। और बच्चों से हमेशा ये प्रेरित करना कि पिता जी के बुरे काम पूरे कर रहे हैं उनकी मां मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं, अपनी घर दृष्टि को देखना है, समाज को लेकर के चल रहा है, इस सारे जीवन को मेहनत करने के लिए परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है बच्चों से भी और स्वयं, हे प्रभु मेरे बच्चों को मुझे सभी परिवार को एक ही चीज दें, ये और दोना परंतु
तीनों योजना हम कर रहे हैं इसलिए हम सब लोग आपसे इसी मंत्र का जाप करवा रहे हैं अंत में भी और बाद में खुशियों में भी गम में एक ही चीज हम परमात्मा से मांगते हैं प्रभु तो जितनी बातें आ गई थी और होती है उनको हमें कैसे निभाना है हम कमजोर विचार को जन्म दे देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उन जिम्मेवारियों को नहीं पा रहे हैं इसलिए जिंदगी के रास्ते को करने के लिए उस काम को करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे पाते हैं उसके लिए हम एक ही कामना करते हैं ये योजना प्रभु हमें सुख दिए बच्चों को सुख दिए मजबूत विचार दें बच्चों को शक्ति दें बच्चों को बल दें बच्चों को ताकि बच्चे पिता के धोए कामों को करें उसकी मान मर्यादा की रक्षा उनके अंदर संस्कारों पर जब बच्चे अपने जीवन समर्पित करें अपनी धन रश्मि परिवार को भी बच्चों को उसके लिए हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं सब हे प्रभु हम सबको दियो योजना हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे ही करें सानू लगन लगा दी तेरा नाम जपिए सुबह शाम जपिए तेरा नाम जपिए सुबह शाम जपिए हे परमपिता परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुख स्वा प्रभु आज हम जिस कन्या परिवार के साथ सब तेरी पुत्र पुत्रियां मिलकर के जिस पाठिका में से एक हमारी टहनी टूट गई है भूल टूट गया जिसके टूटने से प्रभु परिवार के अंदर बाबू जी का प्यार उसकी ममता बच्चों के लिए एक दुख उनकी मान मर्यादा की रक्षा रखी और हम सब की स्वर्गीय बाबू जी की आत्मा के लिए एक ही प्रार्थना है उस आत्मा को आपके चरणों के निवास का मेरे सब हित मिले जाईश्वर तेरी व्यवस्था से जहाँ भी जिस भी लोग में आप उसको जन्म दें वो आपकी दया की कृपा की पात्र हो आपकी शक्ति शायद उनका जीवन हो उनको उस लोक में किसी चीज की कमी ना हो वो जिस भी लोक में जाए वो सुखी परिवार के प्रभु परमात्मा जन्म ले हम सब की आत्मा के लिए ये दुआएं हैं जो हमारी श्रद्धांजलि है ओ शांति शांति शांति
अब दोस्तों सज्जन बेनती है कि चप्पल मुड़ बाद चो पाना पहले हथे हाथे रहना जी चौथा उठाला हो गया जी बोलो जय श्री राम थोड़ी जानू कर लो इधर ही आना जी अंदर आप